अरे सैल चतुर रंग रसिया रे भवरा। भवरा रूपी मनुष्य को कहा तू पर घर प्रीत मत कीजे, हो पराई नारिया जहर कतारी, तू रूप देख मत रिझे रे भाई भरा। अरे भाई से निवेदन है दोनों हाथ उठा करके, पर घर प्रीत मत कीजे, हो घर प्रीत मत कीजे, हो पराई नारिया जहर कतारी, रूप देख मत रीजे रे भाई भरा, पर घर प्रीत मत कीजे। जिनको आता जाता कुछ नहीं है वो ज्यादा कूदे कूदे फिरते हैं, कहते हैं थोता चना बाजे घना। कहावत है ना एक कि थोता चना बाजे घना, कि अध जल गगरी छलकत जाए। आता जाता कुछ नहीं है, कूदो कूदो भरे कहीं गए भूत जाड़ू कहीं गए। और कदी वक्त आवे न उसे पूछे कि दादा तू घणो जाने ले बता, तू कहीं जाने तो कह मुख कहीं जाने सब परमात्मा जाने, मु तो कहीं नहीं जाने। ऐसे लोगों को कबीर जी ने कहा कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले तेरे अंदर उजाला कर, किसी एक के ऊपर उंगली उठाने से पहले तीन उंगलियां तेरी तरफ इशारा करती है कि पहले अपने आप को सुधार ले, फिर दूसरों के घर में दीपक जलाने जाए। अब कबीर जी महाराज कहते हैं, कोड़ दिया करो भाई पीछे मत रहो। अरे घर का मंदरिया में दीपट अंधेरो, घर का मंदरिया में दीपट अंधेरो, पर घर दिवला मत जो दे, घर प्रीत मत कीजे, ओ ओ ओ। जिन भक्तों को जिनको भजन पसंद आ रहा है एक बार बताएं मुझे दोनों हाथ उठाकर, क्या बात है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनसे मैं माफी चाहूंगी, लेकिन जिनको पसंद आ रहा है दोनों हाथ उठा करके, एक दो तीन चार। अब जो ब्लाइंड में गा रही हूं ना, लाखों करोड़ों रुपए की लाइनें पर फ्री में सुनाऊंगी निशुल्क, कह दो राधे राधे। अब सुनिएगा, कबीर दास जी ने कहा चोरी कर ले, झूठ बोल ले, डाका डाल लेना,
भगवान कभी भी माफ सोनिएगा के इस बात के। दूसरों के खेत में फसल बोएगा तो फसल मालिक की होगी आपकी। किसी के मकान में आप थोड़ा सा धनिया बो दो और सोचो कि धनिया की चटनी बना लाओ तो बनाने देगा? क्यों नहीं बनाने देगा? क्योंकि भाव क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कहा। अरे पराया खेत में बीज मत बोजे, अरे पराया खेत में बीज मत बोजे, बीज अखारत जावे जी। भजन की बात समझ में आई कि नहीं आई? तो खड़े होकर आशीर्वाद दें एक बार। क्या बात है, मैं चाहती हूँ कि बाबूजी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये भजन उन लोगों ने जिन्होंने पुराने जमाने के लोगों ने सुना है ना, उनको तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आशीर्वाद मिले खड़े होकर। क्या बात है, हमारे बाबूजी के लिए तालियां बजनी चाहिए भाई। और मेरे साथ में भाई साहब, युवा नेता भाई साहब भी आएंगे और ये भी कमर के पतली पतली कमर से हाजिरी लगाएंगे। कहते हैं आइएगा, और इनके लिए मैं एक पंक्तियां कहने जा रही हूं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। कहते हैं कि हीरे को कितना भी घिसो उसकी चमक कम नहीं होती। अरे भगवान की भक्ति में नाचने से किसी की कीमत कम नहीं होती। तो चलिए इनके लिए दोनों हाथ उठा करके क्या कहेंगे, पर घर प्रीत मत कीजे थोड़ी सी नाचते हुए। क्या बात है, थोड़ा 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 जय हो। चाहती हूं आदेश बैठिए सुनिएगा। एक बार रात को 10 बजे एक लड़की अपने ऑफिस से घर जा रही थी। बड़ी प्यारी बात कहने जा रही, रात को 10 बजे ऑफिस से लड़की घर जा रही थी, साधन नहीं था। एक ऑटो वाला आया, बोला बहन जी कहां जाना है? बहन जी बोली कि भैया घर जाना है। तो कि घर कितनी दूर है? तो कि 3 किलोमीटर। ऑटो वाला बोला बैठो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। अब आप सोचिए कि रात को 10-11 बजे एक लड़की अकेली ऑटो में बैठकर जाने से कितनी बार सोचेगी, कितनी बार सोचेगी? 2 बार तो सोचेगी कि कम से कम इस भाई का भरोसा करूं या नहीं करूं। लेकिन वो लड़की बैठकर चली गई। घर के बाहर उस ऑटो वाले ने उसको उतार दिया। ऑटो वाला तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक लड़की अपने घर पर नहीं गई। घर जाने के बाद तब तक भी वो ऑटो वाला वहीं खड़ा हुआ था और वो बहन अपने घर की खिड़की खोल रही थी तो देखा ऑटो वाला खड़ा है। नीचे आकर के बोला कि भैया मैं मेरे घर पहुंच गई हूं, आप जाइए। ऑटो वाला बोला बहन आप सुरक्षित, जब तक आपके घर से मुझे नजर नहीं आई तब तक मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको अपने घर पहुंचाऊं। जिस दिन हर ऑटो वाला इस तरह की सोच रखने लगेगा ना, उस दिन नारी का जो शोषण हो रहा है, जो बलात्कार हो रहे होने बंद हो जाएंगे अगर ऐसे विचार लोगों के बन जाएंगे। एक ऑटो वाला बनकर दिखाना पड़ेगा। निवेदन है मेरा, हर लड़की को अपनी बहन की तरह रखे लेकिन भाव। हर घर में बेटी चाहिए, हर घर में बहू नहीं चाहिए। लेकिन घर में जब तक बहू नहीं होगी ना तब तक बेटी कहां से आएगी? इसलिए निवेदन कर रही हूं कि निगाहों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे और इरादों को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। जरूरत नहीं है कश्तियां बदलने की भैया, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। हर एक नारी की रक्षा करने का कर्तव्य उठा लीजिए, कहीं कोई बहन अकेली ना रह जाए,
कहीं किसी की इज्जत न लुट जाए और कहीं हम सोते न रह जाएं। अपने मित्र की पत्नी अपने भाभी के समान लगती है, तो क्या कहा कबीर जी ने, जरा प्रेम से सुनिएगा। अरे भाई लारी तारी जमने जाई लागे, अरे भाई लारी तारी जमने जाई लागे, बेनड़ खेरे बुला दे। जरा सी भी बात में अच्छी लगी हो तो ताली मत बजाना। बात अच्छी लगी है तो ताली मत बजाना, और बात अगर थोड़ी सी भी सच्ची लगी है तो दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हैं। क्या कहेंगे? पर घर प्रीत मत कीजिए, लुगाया जाने के आदमी कण लखन रो है। मंदोदरी बोली, सारी दुनिया मान ले कि आपके नाम के पत्थर तिरे, पर मैं नहीं मान सकती, आपने पत्थर तिराया तो कैसे। रावण बोला, मंदोदरी देख मारी बात जो थारे पास ही राग जे आगे तक मत बता जे तक। हाँ, रावण बोला, मंदोदरी मैंने पत्थर उठाया और पत्थर पर रावण लिख दिया, और रावण लिखने के बाद समुद्र में थोड़ा पानी में आगे गया और पत्थर को मेरे मुंह के पास लाया और पत्थर को बोला कि पत्थर, तुझे भगवान श्री राम की सौगंध है अगर पानी में डूब गया तो, और सौगंध मान करके पत्थर भी पानी में। बोली रामचंद्र भगवान की। और आज जब पत्थर जैसा भी राम जी की सौगंध मान सकता है, तो इंसानों को भी आज इस गौशाला में सभी को राम जी की सौगंध है अगर ये नहीं गाया तो। एक बार पूरे पांडाल से क्या कहेंगे? राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए क्या आवाज है, माता बहने भी गाएंगी एक साथ, सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके क्या कहेंगे? राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए कहते हैं कि जिसने राम का नाम नहीं लिया वो मरे हुए के समान है, और जो राम का गुणगान करे वो जीवित है। जो जो जीवित है दोनों हाथ उठा लीजिए। जो जीवित है मंच पर, जीवित कौन कौन है भाई? पेड़ पर जीवित कौन कौन है?
जो जीवित है जरा हाथ उठा के क्या कहेंगे? राम सिया राम सिया राम।